मऊ से बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। अफशान अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ, गैंगस्टर मामले में आरोपी है अफशान अंसारी। अफशान अंसारी पर कुल 75,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। मऊ से बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। अफशान अंसारी के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है, गैंगस्टर के मामले में आरोपी अफशान अंसारी और कुल 75,000 रुपए का इनाम भी अफशान अंसारी पर घोषित है। अब मुश्किलें अफशान अंसारी की भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान, जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। यात्रियों की सीमित संख्या वाला आदेश सरकार ने वापस ले लिया है। उत्तराखंड सरकार ने ये आदेश वापस ले लिया, ये बड़ी खबर है। पहले की तरह चारधाम यात्रा अब जारी रहेगी। अब ऑनलाइन पंजीकरण भी करा सकेंगे यात्री, ऑफलाइन भी पंजीकरण करवा सकते हैं। श्रद्धालु बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी आ सकते हैं, ये भी बात सामने आ रही है। जो आदेश उत्तराखंड सरकार का था उसको वापस ले लिया है सीमित संख्या वाला। अब पहले की ही तरह चारधाम यात्रा यूं ही चलती रहेगी, ऑफलाइन भी पंजीकरण करवा सकते हैं यात्री। इसी पर मेरे साथी विनोद जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। विनोद, ये जो आदेश खुद सरकार ने पहले दिया था उसको वापस ले लिया गया है, और इसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है? ये तो बड़ी राहत हो गई है श्रद्धालुओं के लिए। निश्चित तौर पर दीपा, देखिए बहुत बड़ी राहत हम कह सकते हैं श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि देश भर के तमाम श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, लेकिन उन्हें जिस डेट को सुगम यात्रा वो करना चाह रहे थे उसकी तारीख उनको नहीं मिल पा रही थी। उसी वजह से यहाँ भी तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं, व्यापारी हैं, होटल व्यवसायी हैं, तमाम ऑटो संचालक हैं, बस संचालक हैं, वो लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि जो सीमित संख्या का की बाध्यता है उसको खत्म की जानी चाहिए, और रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसके ऑनलाइन के साथ साथ उसे ऑफलाइन भी किया जाना चाहिए। सरकार ने उसके आज उसके लिए एक बड़ी बैठक भी हुई थी कल, जब विधायकों की बैठक हुई थी उसमें कई जो यात्रा मार्ग के जो विधायक हैं उन्होंने ये मांग उठाई थी कि जो सीमित संख्या है उसको उसकी बाध्यता खत्म करनी चाहिए, और उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन है उसको ऑफलाइन भी किया जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने फिर इसके संबंध में अधिकारियों से बातचीत की थी, और आज अपर मुख्य सचिव राधा राठौड़ी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अब ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ साथ अब ऑफलाइन भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी कि कोई भी श्रद्धालु अब किसी भी दिन यात्रा पे आ सकता है, उसका मौके पर रजिस्ट्रेशन होकर वो यात्रा कर सकता है। पहले इस बात लगातार लंबे वक्त से श्रद्धालु ये भी मांग कर रहे थे कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी पंजीकरण हो, अब ऐसा होने जा रहा है, ये बड़ी राहत है श्रद्धालुओं के लिए। सरकार ने अपना आदेश जो पहले का था उसको वापस ले लिया है सीमित संख्या वाला। शुक्रिया पंकज आपका पूरी जानकारी के लिए। मेरे साथ ही पंकज राणा मेरे साथ जुड़े थे और वही आपको विस्तार से इस खबर पर डिटेल में जानकारी दे रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।